नेक्स्ट थ्योरम है एवरी कंटिन्यूस मैपिंग फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट स्पेस। जो कंटिन्यूस मैपिंग है उसका डोमेन कैसा स्पेस लेना है, कॉम्पैक्ट स्पेस, और कोडोमेन स्पेस कैसा लेना है, टी टू या होस्ट ऑफ स्पेस। तो कह रहा है कि प्रत्येक कंटिन्यूस मैपिंग जो कॉम्पैक्ट स्पेस से होस्ट ऑफ स्पेस पे है जिसका कोडोमेन स्पेस, तो वो मैपिंग प्रूव कीजिए कि वो क्लोज मैपिंग होगी। तो हम एक मैपिंग मान लेते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी कंटिन्यूस मैपिंग ले ली कॉम्पैक्ट स्पेस से होस्ट ऑफ स्पेस। अब इस मैपिंग को क्लोज प्रूव करना है, तो कोई मैपिंग क्लोज सेट, क्लोज मैपिंग कब होती है, अगर वो मैप हर क्लोज सेट को क्लोज सेट पे मैप कर दे। तो हर क्लोज सेट को तो क्लोज सेट पे मैप नहीं करवा सकते, तो यहां कोई भी एक आर्बिट्रेरी क्लोज सबसेट ले लेंगे या क्लोज सेट ले लेंगे डोमेन का, और हम इस क्लोज सेट की इमेज अंडर एफ क्लोज दिखा देंगे। तो ये क्लोज सबसेट हो गया एक्स का, और एक्स क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है या एक्स कॉम्पैक्ट है, डोमेन स्पेस है वो कैसा स्पेस है, कॉम्पैक्ट स्पेस है, कॉम्पैक्ट स्पेस। तो पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। जो कॉम्पैक्ट स्पेस होगा उसका प्रत्येक क्लोज सेट कॉम्पैक्ट होता है, तो यहां ई भी क्या हो गया, कॉम्पैक्ट सबसेट हो गया। और हमने एक ये थ्योरम भी प्रूव की थी, कॉम्पैक्ट जो कंटिन्यूस इमेज होती है कॉम्पैक्ट सेट की वो कॉम्पैक्ट होगी, तो फिर एफ ओ पी भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सबसेट हो जाएगा कोडोमेन स्पेस एक्स स्टार का। और एक्स स्टार कैसा है, होस्ट ऑफ स्पेस है। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए होस्ट ऑफ स्पेस इज ए क्लोज सेट। तो उस थ्योरम के रिजल्ट से क्या हो जाएगा, एफ ओ पी क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। तो आर्बिट्रेरी क्लोज सेट की इमेज क्लोज होगी, तो मैपिंग क्या होगी, क्लोज मैप होगी। अब एक नेक्स्ट थ्योरम है, मैपिंग पे तीन कंडीशन दे रखी है कि मैपिंग वन वन है, कंटिन्यूस है और ऑन टू है। कहां से, डोमेन स्पेस कॉम्पैक्ट से ऑन टू हाउस डोर स्पेस। तो प्रूव कीजिए कि मैपिंग ओपन मैप होगी, और ओपन मैप हो गई तो कह रहा है कि फिर ये होमियोमोर्फिज्म हो जाएगी। तो हमें इस थ्योरम में एफ को ओपन मैप प्रूव करना है। तो कोई मैपिंग ओपन मैप कब होगी, जब हर ओपन सेट की इमेज ओपन हो जाए। तो हर ओपन सेट की इमेज तो ओपन नहीं दिखा सकते, तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट उठा लिया तो फिर इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज होगा। तो ये क्लोज सबसेट हो गया जी का कॉम्प्लीमेंट एक्स का, और एक्स कैसा स्पेस है, डोमेन स्पेस, कॉम्पैक्ट दे रखा है थ्योरम में। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, तो ये सेट कॉम्पैक्ट हो गया। और मैपिंग यहां पर हमने थ्योरम में दे रखी है कि मैपिंग कंटिन्यूस है, तो हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि जो मैप, अगर मैपिंग कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस मैप हर कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे मैप करेगी, तो फिर ये कॉम्पैक्ट सेट है और ये मैपिंग कंटिन्यूस है, तो फिर इसकी इमेज भी क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट सबसेट हो गया एक्स स्टार का। एक्स स्टार कैसा स्पेस है, हाउस डोर ऑफ या टी टू स्पेस है। तो एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउस डोर स्पेस इज ए क्लोज सेट, तो फिर ये सेट क्या हो गया, क्लोज सबसेट हो गया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइड में एक्सप्लेन कर रखा है, और ये इसमें कंटेंट होता है इंटरसेक्शन के लिए। लेकिन इक्वलिटी कब होल्ड होती है, जो एफ वन वन हो, तो थ्योरम में गिवन है कि एफ वन वन है तो फिर इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, और जो अंदर जी कॉम्प्लीमेंट है वो इमेज के बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तो ये उस रिजल्ट से ये इक्वलिटी होल्ड होगी। तो ये कॉम्पैक्ट सबसेट हो गया कोडोमेन स्पेस का, कोडोमेन स्पेस टी टू स्पेस है, तो एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए टी टू स्पेस इज ए क्लोज सेट, तो ये क्लोज सेट हो गया। तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये मैपिंग ओपन हो गई, और मैपिंग थ्योरम में गिवन है कि मैपिंग पे तीन कंडीशन है, वन वन है, ऑन टू है, कंटिन्यूस है, ओपन हमने प्रूव कर दी। तो ये मैपिंग चार कंडीशन रख रही है, अगर ऐसी मैपिंग जिसके पास चार कंडीशन हो तो वो होमियोमॉर्फिज्म मैप हो जाएगी।